मात्र एक रुपए की कैंडी बेचकर पल्स कंपनी ने 300 करोड़ का बिजनेस बनाया, और भला वो कैसे? आंसर जानने से पहले हमें फॉलो जरूर करिए। देखिए, कैंडीज मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी ज्यादा है, अलग अलग फ्लेवर और टेस्ट के कैंडीज मौजूद है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मार्केट बेहद ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। अब यहाँ पर अगर कैंडी लॉन्च करके प्रॉफिट कमाना है तो कुछ अलग हट करके करना पड़ेगा। इसके बाद डीएस ग्रुप, जो पल्स चॉकलेट बनाती है, इन्होंने मार्केट रिसर्च करा और पाया इंडिया में लोग कच्चे आम पर सॉल्टी मसाला डालकर खाने के शौकीन है। इसी के चलते इन्होंने कच्चे आम की कैंडी तैयार करी और इसके बीच में सॉल्टी मसाला डाल दिया। देखिए, कच्चे आम को हम एक सीजन ही खा सकते हैं, बट पल्स को ऑल सीजन। चलो ये तो ठीक था, बट कस्टमर का ट्रस्ट भी तो जीतना है ना। इसके लिए इन्होंने पास पास का लोगो पल्स के रैपर के टॉप में लगा दिया, जो कि खुद डीएस ग्रुप का ही प्रोडक्ट है। ऐसा करके आपने लोगों का ट्रस्ट भी जीत लिया। देन आखिर में आपको प्रोडक्ट लोगों तक भी पहुंचाना है, शहरों से लेकर गांव-गांव तक, जिसके लिए डीएस ग्रुप ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करा। इन्होंने अपने पुराने प्रोडक्ट जैसे कि रजनीगंधा, पास पास और बाबा इलायची के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करा और पल्स को हर छोटे से छोटे दुकान तक पहुंचाया। अब दोस्तों, इसका मैं शॉर्ट समरी बताऊं तो, सबसे पहले मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करिए, मार्केट की नीड को समझिए, देन इसके बाद प्रोडक्ट तैयार करिए और लोगों में उस प्रोडक्ट के अराउंड ट्रस्ट बिल्ड करिए, देन आखिर में उसे हर जगह अवेलेबल कराइए।